नववर्ष के अवसर पर मैहर में मां शारदा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां के दर्शन कर नए साल का आगाज किया। नववर्ष के चलते मां शारदा के दरबार में माथा टेक कर श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत की, जिसको लेकर मैहर आने वाले लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मां शारदा देवी प्रबंध समिति और स्थानीय प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए ताकि किसी को भी किसी तरह की असुविधा ना हो। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि दर्शनार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से 350 से ज़्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, नए वर्ष के अवसर पर काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु शारदा माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँचते हैं और इस सब को देखते हुए मंदिर में व्यवस्था बनी रहे, दर्शनार्थियों को सरलता से दर्शन प्राप्त हों और किसी प्रकार की कोई अपरिस्थिति ना बने, इससे निपटने के लिए ADG रीवा सर के आदेश से प्राप्त 4 राजपत्रित अधिकारी समेत लगभग 350 का बल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड सभी रैंक का बल विभिन्न पॉइंट्स पर, करीब 20-21 पॉइंट हमने बनाए हैं, उन पर लगाया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि ठीक तरह से ड्यूटी किस तरह से संपादित करनी है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है। और इसके प्रभारी हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहेंगे मैहर के, और इन सारी व्यवस्थाओं को लगातार सुपरवाइज किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यवधान रहित दर्शन श्रद्धालुओं को मिल सके। विभिन्न चेक पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसके माध्यम से एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि गर्भगृह से भीड़ की स्थिति को देखते हुए जल्दी से जल्दी हम दर्शनार्थियों को दर्शन करा के उनको जो है आउट गोइंग रास्ते पर ले जाएंगे, और ताकि हम शीघ्रता से सभी को दर्शन करा सकें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।